हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम 100 मीटर रनिंग का वर्कआउट देखेंगे। अगर आपको 100 मीटर अच्छे से क्लियर करना है, अच्छे से टाइमिंग लाना है, 1 सेकंड 2 सेकंड अगर कम करना है, तो हम कुछ आज स्पीड वर्कआउट करेंगे। हमें स्पीड लाना है तभी आपका 100 मीटर अच्छे से क्लियर होगा। अगर आपका 100 मीटर है दोस्तों, आपको कौन सी रेपिटेशन लगानी चाहिए, कितने रेपिटेशन लगाने चाहिए तभी आपका टाइमिंग अच्छा आएगा। दोस्तों, आपको 100 मीटर अच्छा करने के लिए हमें कुछ रेपिटेशन लगाना चाहिए। तो यहाँ पर हम 30 मीटर और 50 मीटर का इस तरह से रेपिटेशन लगाएंगे। हमें 30 मीटर और 50 मीटर अगर आप अच्छे से स्टार्ट लोगे, अच्छे से आपका टाइमिंग अच्छा आएगा, तो आप 100 मीटर अच्छा कर पाओगे। तो यहाँ पर देखो, ये जो 30 मीटर का लाइन है यहाँ पर कौन रखा है, उसके बाद वहाँ पर 50 मीटर का जो कौन है वहाँ पर दिखा है। तो यहाँ पर हम 30 मीटर के 4 या 5 रेपिटेशन लगाएंगे और उसका टाइमिंग देखेंगे। यहाँ पर हमारे बंदे, ये जो हमारे एकेडमिक के जो स्टूडेंट है, वो यहाँ पर रेपिटेशन लगाने वाले हैं, तो उनका टाइमिंग हम देखेंगे यहाँ पर 30 मीटर का टाइमिंग कितना होता है। अगर आपका टाइमिंग 4 या 5 सेकंड के ऊपर जाता है, तो ट्राई करना है कि आपको अंदर कैसे लाना चाहिए। और हर एक रेपिटेशन का अगर आप टाइम लगाते हो, तो ज़रूर आपका टाइमिंग कम होगा। फिर उसके बाद यहाँ पर हम 50 मीटर का टाइमिंग देखेंगे। तो इस तरह से आपको प्रैक्टिस करना है। तो चलो देखते हैं हम 30 मीटर और 50 मीटर किस तरह करते हैं। सेट। तो दोस्तों, यहाँ पर अभी हमने 30 मीटर की रेपिटेशन अभी लगाई और उनका टाइमिंग लगभग 4.72-73 इस तरह से आ गया। तो यहाँ पर ट्राई करना है कि उसके अंदर कैसे आए। अगर अभी का टाइमिंग जो 4.72-73 है, तो अभी ट्राई करना है उसके अंदर कैसे आना चाहिए। तो अगर 4.72-73 ऐसा आता है, तो आपको ट्राई करना है कि 50 तक कैसे आए, 4.50 कैसे आए, इस तरह से ट्राई करना है। और इसे करने से आपका जो स्टार्ट है वो भी अच्छा हो जाएगा, और उसके साथ भी आपका जो 100 का टाइमिंग वो भी अच्छा हो जाएगा। तो इस तरह से आपको प्रैक्टिस करना है। फिर इसके 4 रेपिटेशन होने के बाद फिर यहाँ पर हम 50 मीटर के रेपिटेशन लगाएंगे, उनका भी आपको टाइमिंग देखना है। तो इस तरह से दोस्तों आपको वर्कआउट करना है, तभी आपका टाइमिंग अच्छा आएगा।